कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। आप जो कुछ थंबनेल में देख कर आए हैं कि हमें यूपीएससी का तैयारी करना है और हमें कोई कुछ नहीं समझ में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है और मेरे को कोई जानकारी नहीं है यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या होता है, कैसे इसकी तैयारी होती है, क्या क्या इसमें पढ़ना होता है, कितने पैसे लगते हैं और क्या क्या हमें इसमें समझना होगा, ये सारा चीज़ हम जानकारी आपको लेकर आ गए हैं। ये वीडियो आपके लिए बेसिक मतलब इन्फॉर्मेशन ये आपको हो सकता है और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आपका ये सवाल जो है ना, ये आप ही के सवाल को हम लेकर आ गए हैं। और जो बच्चे एकदम जीरो है ना यूपीएससी के फील्ड में, यूपीएससी के मैदान में मतलब नहीं उतरे हैं और नहीं जानते हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें यूपीएससी का तैयारी करना है तो कैसे करें, उन बच्चों को सबसे पहले ये जो सवाल दिख रहे हैं ना, ये सवाल इनके माइंड में सबसे पहले पैदा होते हैं। और इन सवालों से पहले हम आपको बता दें कि देखिए, अगर आप यूपीएससी के मैदान में यानी समुंदर में अगर आप छलांग मारते हैं तो आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि समुंदर में छलांग मारने से पहले ये चीज़ अपने आप को पहले समझाइए कि क्या मैं छलांग मार रहा हूँ तो क्या उसमें से तैर के बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। ये आपको बता दें कि 95% ऐसे पर्सन होते हैं जो यूपीएससी को सिर्फ और सिर्फ खाली मतलब कि तैयारी तो करते हैं बिना जानकारी के। अगर आपके पास एक भी अगर जानकारी नहीं है ना तो आप याद रखिएगा कि यूपीएससी के मार्क से भटकना मतलब आपके लिए तय है, आप भटक जाइएगा। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने से पहले आप पहले समझिए उसके पूरे सिलेबस को, पूरे उसकी पैटर्न को, पूरे उसकी सिलेक्शन प्रोसेस को, कैसे होता है, क्या क्या होता है। क्योंकि यूपीएससी छोटा मोटा नहीं है बच्चों, यूपीएससी बहुत बड़ा है। बड़ा है तो भैया हम उसको समझेंगे तभी तो तैयारी करेंगे ना। बिना समझे, याद रखना, बिना समझे अगर आप करते हैं तो याद रखना मार्क से भटक जाएंगे। आप दोस्त के या किसी भी पर्सन से देखकर या कहीं मोटिवेशनल वीडियो देखकर या कहीं अगर आप नाम सुने कि अरे यार ये तो जिला कलेक्टर बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, अगर आप उन व्यक्तियों को देखकर आप इस फील्ड में आ जाते हैं और आपको कोई जानकारी नहीं होता है तो देखिए आपको आगे चलकर धोखा और ठोकर लगना बहुत, वैसे बच्चे आप ठोकर खा ही जाते हैं, अब ठोकर आपको नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? आप सबसे पहले यूपीएससी के बारे में जानिए, सीखिए। आपको सीखने में एक दिन में एक वीडियो से नहीं सीख सकते हैं बच्चों। हम भी थे, हम मेरे को भी जानकारी नहीं था, हम धीरे धीरे उसको सीखने का प्रयास किए। लगेगा टाइम, एक वीडियो से नहीं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमसे आप जो कुछ सीख रहे हैं भाई साहब, एक वीडियो से हम पूरे यूपीएससी को नहीं समझा सकते हैं। समझाने के मतलब हुआ कि आपको पूरा बेसिक जानकारी होना चाहिए दिमाग में, तब तो आप स्टार्ट करेंगे ना। तो देखिए, आप सबसे पहले यूपीएससी के बारे में पूरा प्लान बनाइए और पूरा जानकारी लीजिए A to Z। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपके माइंड में क्या क्या चलता है यूपीएससी के सिलेबस और यूपीएससी के रिलेटेड सवाल, उन सवालों को सबसे पहले आपको देखते हैं। देखिए आपके सवाल माइंड में क्या चलता होगा, सबसे पहले आपको पता है कि यूपीएससी क्या है। कितने बच्चों को तो यूपीएससी के बारे में नहीं मालूम होता है, यूपीएससी सोचते हैं कि चलो एग्जाम है, एग्जाम चलिए पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं, ठीक है ना। यूपीएससी कोनो दाल भात के हलवा थोड़ी है कि लो तू कोबरे कोबर बांट दें, ऐसा तो नहीं ना है। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें सबसे दिमाग में घूमता है, कैसे करें भाई साहब, और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी कहां से करें, ये सब अगर आपके माइंड में अगर सवाल पैदा होता है तब आप सोच लीजिए कि सही रास्ता पर हैं आप, यूपीएससी के राह पर अगर चल रहे हैं। तो अगर ये सब सवाल है तो अगर आपके माइंड में अगर सवाल ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं है, तब आप उसका आंसर कैसे ढूंढिएगा। और आंसर ढूंढना है बच्चे तो अभी तो सोशल मीडिया के ज़माना है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब, गूगल या कहीं अदर पर्सन से बात कीजिए, चाहे ऐसे दोस्तों यारों से सलाह लीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, बातें कीजिए, तभी तो सीख पाएंगे ना। घर में बैठ कर खाली उसके नाम सुनकर और आप लग जाएंगे तैयारी करने, तो ऐसे तैयारी करने से थोड़ी। इसलिए आपको सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए बच्चे कि ये सब क्वेश्चन बनते हैं उन बच्चों को, बनते हैं जिन बच्चे को एकदम नई जानकारी होता है, एकदम जीरो हैं, उन बच्चों को ये माइंड में क्वेश्चन बनता रहता है। यूपीएससी में क्या क्या पढ़ना होगा हमें,
क्या क्या पढ़ना होगा, कितने पैसे लगते होंगे, कितना समय लगता है, यूपीएससी के लिए हमें कोचिंग कहाँ करना होगा, ठीक है ना, कहाँ जाना होगा, सेल्फ स्टडी करें या फिर हम कहीं ऑफलाइन कोचिंग करें या फिर ऑनलाइन कोचिंग करें, कहाँ से करें, ठीक, इसमें कितने मतलब कि पैसे लग जाएंगे। मान लेते हैं कि अगर हमने अगर घर से चल दिया बाहर और घर का स्थिति मेरा ख़राब है तो क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारा चीज़ क्वेश्चन बनता है। और इसी सब क्वेश्चन को प्लान बनाकर, टारगेट बनाकर और बच्चे मैदान में उतरते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास टारगेट नहीं है, आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपना टारगेट बना लीजिए, माइंड में क्वेश्चन पैदा कर लीजिए, क्वेश्चन को आंसर ढूंढ लीजिए, आंसर ढूंढने के बाद आप उस रास्ता पर चलिए, एकदम अपने खुद के रास्ता पर चलना है बच्चों। और हम आप लास्ट में बताएंगे ना कि देखिए आपका कोचिंग का सबसे ज़्यादा मतलब होता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, अकेले क्या कर सकते हैं, ये सवाल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब माइंड में चलता है, यार मेरे को कोई ऐसा पर्सन मिल जाता, कोई गाइड करने वाला, कोई दोस्त मिल जाता, या फिर हमें ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट मिल जाता जहां से हम पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन सबके बनते हैं। मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है, घर का स्थिति बहुत खराब है, क्या हम करें, ये सब सब के सब बड़े से बड़े एग्जाम को मार देता है, ये सब मजबूरियां और ये सब सवाल हैं। तो ऐसे सवालों को घबराना नहीं है बच्चों, घर का स्थिति खराब है, क्या दिक्कत है, हमें अगर करना है ना तो देखिए इसमें पैसे और इसकी घर के स्थिति और हालात नहीं मायने रखते हैं, ध्यान में रखना। एग्जाम इसकी निकलेगा या नहीं निकलेगा ऐसे अगर आपके दिमाग में बनते हैं तो आप सारा चीज़ इस क्वेश्चन पर ही पहले सवाल ढूंढ लिया कीजिए, तब फिर आगे बढ़िए। देखिए हमें क्या क्या प्लान बनाना चाहिए, यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, मैंने तो ये प्रश्न इतना लिखा, हमारा माइंड में इतना प्रश्न आया, मैंने लिख डाला, आपके भी सवाल होंगे, जितना मैंने सवाल उठाया इससे दुगना भी सवाल होगा, और भी सवाल हो सकते हैं। मैंने तो अभी इतने ही सवाल के बारे में जिक्र किए कि देखिए भाई साहब, एक अगर आप चल रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने, इतनी सवाल तुम्हारे दिमाग में चलता होगा, इतना दिमाग में आता होगा, तो क्या ये सवालों का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे। जवाब मिल जाता है अगर खुद से उस सवाल का जवाब हम कर लेते हैं, तो भैया हमें कोई रास्ता तो रोक नहीं सकता है। देखिए इतने ही नहीं प्रश्न और बन सकते हैं। सबसे ज्यादा बात है कि मान लेते हैं चलिए हमने दोस्त यार या कहीं किसी पर्सन से सुन लिया कि भैया हमें यूपीएससी की तैयारी करना है, तो हमें कोई ना कोई सलाह तो दे दिया कि क्या है, अभी आप 9th में, 10th में, 11th, 12th जो भी हैं, ग्रेजुएशन पास करो, यूपीएससी का एग्जाम दे देना। देखिए आपको तो ग्रेजुएशन तक करना ही होगा, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक जानकारी हम देने वाले हैं बच्चे, और ये जानकारी ना आपको एकदम जीरो से कम 5% तो उठा देगा। हम नहीं करें 100% नहीं समझा सकते हैं एक वीडियो में, हम खुद एक वीडियो चाहे एक दिन में नहीं सीखे तो आप कैसे सीख सकते हैं। आपको सीखना है बच्चे, आपको टाइम लगेगा, समझना है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जरूर सीखिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते हैं, अभी मेरे से आप लोग अभी सीख रहे हैं, कुछ जानकारी मेरे से लीजिएगा, आगे चलकर मान लेते हैं और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि अदर आप पर्सन से सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ ना थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए यूपीएससी का आपको बताते हैं कि हमें अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, देखिए यूपीएससी के ये क्या होता है, इसका कितने क्वालिफिकेशन होते हैं और कहाँ से ये मैंने मतलब कि तैयारी करते हैं करेंगे, ये सारा चीज़ ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी के लिए हमारा सबसे पहले एज 21 ईयर होना चाहिए और हमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर इतना अगर हम कर लें तो हम यूपीएससी के लिए एलिजिबल हैं, हम यूपीएससी में शामिल हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर आप इतना नहीं किए हैं बच्चे तो आप यूपीएससी में नहीं बैठ सकते हैं, आप नहीं पेपर दे सकते हैं, ठीक है, इतना हुआ। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को जो दिक्कत होता है वो है यूपीएससी का सिलेबस। सिलेबस नहीं समझ में आना और सिलेबस नहीं समझ पाना, ठीक है ना,
ये सबसे ज़्यादा मतलब कि बच्चों को दिक्कत करता है। तो इस सिलेबस को अभी हम आपको समझाने वाले हैं भाई साहब, सिलेबस कैसे समझिएगा, ठीक है ना। और इस सिलेबस को समझने के लिए हम कहेंगे कि आप सिलेबस को खुद से रीड कीजिए। जब तक अगर आप रीड नहीं करेंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैंने सिलेबस के बारे में बता देते हैं, और जो कुछ मैंने ये प्रश्न बनाए इसी प्रकार से आप पेपर में पहले प्रश्न बनाइए और उस प्रश्न में एक एक करके प्रश्न को पहले आंसर ढूंढिए। मोबाइल से ढूंढिए, यूट्यूब से ढूंढिए, चाहे गूगल से ढूंढिए, चाहे कहीं ऐसे दोस्त या फ्रेंड हैं उनसे बात करके ढूंढिए, लेकिन जरूर ढूंढिए। देखिए UPSC का ना, इसमें सिलेबस को समझना सबसे बड़ी ज़रूरी है बच्चे। अगर आप जीरो हैं तो सबसे पहले UPSC में देख लीजिए, तीन पेपर होते हैं, मतलब तीन चरणों से आपको गुजारना पड़ेगा बच्चों। तीन चरण कौन कौन है ध्यान देना, पहला चरण, दूसरा, तीसरा। पहला चरण जो है ना, मतलब पहला एग्जाम मान लेते हैं, दूसरा एग्जाम, और ये तीसरा। तीन एग्जाम देना है बच्चों, तीन एग्जाम में पहला एग्जाम का नाम है प्रीलिम्स। ये है आपका पेपर, ये पहला एग्जाम होगा जिसको PT कहते हैं बच्चों, प्रीलिम्स कहते हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा है। इस परीक्षा को जब तक अगर आप पास नहीं करते हैं तब तक आप मुख्य परीक्षा में नहीं जा पाइएगा। यानी पहला आपको प्रारंभिक परीक्षा देना होगा, यानी प्रीलिम्स पास करना होगा। प्रीलिम्स में क्या चीज़ होते हैं, कितने पेपर होते हैं, क्या ये पेपर सब एक के बार होता है या फिर अलग अलग होता है, ये पेपर जो होते हैं वो बच्चे अलग अलग होते हैं। प्रीलिम्स पहले होगा, उसके बाद मेंस होगा। प्रीलिम्स में बता दें कि इसमें आपको दो चीज़ पढ़ना है, एक GK GS और दूसरा का CSET। GK GS पढ़ना है, उसके बाद CSET पढ़ना है। ये जो GK GS होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, और ये जो प्रारंभिक परीक्षा है ये आपके OMR Sheet पर होगा, यानी MCQ क्वेश्चन होंगे। 100 प्रश्न होंगे GK GS से और 80 क्वेश्चन होंगे CSET से। CSET में आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, और ये भी होंगे 200 मार्क्स का, और ये भी होंगे 200 नंबर का। टोटल 400 नंबर होंगे प्रारंभिक परीक्षा। अगर इसको आप पास कर लेते हैं तब आप मुख्य परीक्षा यानी मेंस का एग्जाम दीजिएगा, और मेंस आपको थोड़ा सा देर बाद होगा। पहले ये PT हो लेगा, उसके बाद आपको मेंस होगा। मेंस में टोटल 9 गो पेपर होते हैं, 9 पेपर देना होगा। 9 पेपर में देखिएगा ध्यान से कि इसमें दो पेपर आपके क्वालिफाइड पेपर होंगे, क्वालिफाइड पेपर होंगे दो पेपर, फिर उसके बाद चार को जो पेपर है ये सामान्य अध्ययन होंगे, इसमें GS का पेपर होते हैं 4, उसके बाद दो पेपर जो वैकल्पिक ऑप्शनल पेपर होंगे, उसके बाद एक निबंध वाला पेपर होगा। टोटल 9 पेपर होते हैं, इस 9 पेपर का ना आपको ये मुख्य परीक्षा में देना होगा। और ये जो आपके मुख्य परीक्षा जब दे लेते हैं, और इसमें आपको लिखना होगा बच्चों, इसमें लिखना नहीं है। पहला एग्जाम इतना आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें तुक्का मारना होता है, मतलब कि आपको टिक करके आना होता है। किसी किसी का ना इसमें ना मतलब कि भगवान भरोसे, कहीं अगर मान लेते हैं चार ऑप्शन है, अगर मारा गया, अगर नहीं हमको मालूम है, तुक्का मार के भी पास हो जाते हैं। उन लोग कहाँ जाके छड़ जाते हैं, मेंस में। सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत होता है मेंस में, क्योंकि मेंस में आपको भर भर के आंसर राइटिंग करना होगा, वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है ना। जब इतना कर लीजिएगा तब आप को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में आपको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं ना, कि मतलब आपका कैसा बिहेवियर है, किस तरह से बोल पाते हैं, किस तरह से आप मतलब कि चार लोगों के पास बैठ के किस तरह से बात कर लेते हैं, उस तरह से होता है। यानी आपका इंटरव्यू जो लिया जाता है उसमें सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप कहेंगे सवाल ही पूछे जाएंगे, सवाल तो पूछे जाते हैं। अरे भाई साहब, सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, इंटरव्यू में 10 सवाल पूछे या 20 सवाल पूछे, उसमें से अगर 10 या 20 सवाल का जवाब नहीं मालूम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 या 20 सवाल का जवाब नो सर, अगर सॉरी सर कह के अगर आप कह देते हैं, जवाब दे देते हैं कि सर सॉरी सर इसका आंसर नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। होता है कि 10 और 20 क्वेश्चन नहीं आने का नतीजा आपके पसीने छूट रहे हैं या नहीं छूट रहे हैं, क्या आप 10 क्वेश्चन के चलते क्या आपका पसीना छूट रहा, क्या आप 10 क्वेश्चन को नहीं देने पर क्या उसी मतलब कि उत्साह से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर आपका मनोबल डाउन हो गया, इसको देखा जाता है।
चार लोगों के बीच आप बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आपको जिला के मालिक बनाया जा रहा है। जिला में एक व्यक्ति नहीं बल्कि हजारों व्यक्ति हैं। मान लेते हैं 100-200 अगर मान लेते हैं व्यक्ति आ गए, किसी ने मान लेते घटना हो गया, आंदोलन हो गया, विवाद हो गया, चाहे भड़काव हो गया, उस स्थिति में अगर मान लेते धरना प्रदर्शन करने आए तो आप क्या उन लोगों से बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या आप चार लोगों के बीच में क्या ठीक से बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं? इस चीज़ को वहाँ पे चेक किया जाता है, इस चीज़ का वहाँ पे नंबर मिलता है बच्चे। इसलिए इंटरव्यू में कहा जाता है कि आप ठीक से बात करके आ जाइए, सिलेक्शन हो गया। तो ये रहा इस प्रकार के बच्चे। अगर आप अभी शुरुआती किए हैं तो शुरुआत में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ माइंड में क्वेश्चन जो बनता है ना, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने सीखिए बच्चे। कुछ नई जानकारी है, डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर कोई भी ऐसा चीज दिक्कत होता है डायरेक्ट मैसेज करो, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। अगला पार्ट में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी का जो तैयारी है ना, वो हमें कैसे रणनीति बनाना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए इस पर। तो इसलिए आप अभी मेरे चैनल से जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी सरकारी एग्जाम हो, हम आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए हम आपको गाइड करेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसा क्यूरी हो, कोई ऐसा सवाल हो, मेरे इंस्टाग्राम पाल मोटिवेशनल पर आप वहाँ पे डायरेक्ट एसएमएस कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे जवाब जरूर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो कोई ऐसा सवाल अगर रह गया हो तो ज़रूर हमसे करना कमेंट। और आपको इसमें से क्या सवाल ऐसा है जो तुम्हें दिक्कत करता है, नहीं मिल पाता है, आप करना चाहते हैं और आपका स्थिति या ऐसे सवाल आपको जकड़ के रखा है, उन हालातों से आपको, उन परिस्थितियों से गुजरना है, तोड़ना है, आगे बढ़ना है बच्चों, ठीक है ना। बाकी यूपीएससी की जो कहानी है, इस चीज़ को ध्यान में रख लो कि पैसा है या नहीं है इस पर मत रहना, घर का स्थिति कैसा है इस पर भी पीछे मत हटना, क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति आगे निकल चुके हैं जिनका हालात, जिनका पैसे नहीं है, वो रोग आकर पढ़ लिए और एग्जाम पास कर लिए। तो आप में भी ऐसा जुनून है तो आप मेरे साथ जुड़िए, हम आपके जुनून को, आपके बुलंदी हौसलों को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।